ने टायर फंस गया और थोड़ा सा जोर लगाया, अब ये टायर टूट गया है। हमें तो इस किस्म की अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता रहता है। ये देखे ना, ये चेयर चल नहीं रही, बहुत टायर घिसट रहा है। पहियों के साथ ही तो हमारी लाइफ चल रही है और चल रही है। क्या हुआ है, इस तरह से चेयर को क्यों चला रहे हैं आप? मैं बाहर से आ रहा था तो वो एक लड़के ने कहा कि मैं चेयर अंदर काट देता हूँ। उसने वो जोर लगाया तो नाली के ऊपर जो है टायर फंस गया और थोड़ा सा जोर लगाया, अब ये टायर टूट गया है। ओहो, अब इसको क्या करना है? अब मैं इसको देखता हूँ। एक टायर पड़ा हुआ है मेरे पास, एक दो पुरानी चेयरों के टायर हैं तो वो मैं इसको करता हूँ, जोड़ लेता हूँ। हमें तो इस किस्म की अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता रहता है, लेकिन हम भी घबराने वाले नहीं हैं और इनका हल निकालते हैं। अब गो के ये बड़ा मुश्किल सा इसके साथ हो गया है चलाना। ये देखे ना, ये चेयर चल नहीं रही, बहुत टायर घिसट रहा है। तो लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास एक पुरानी चेयर के टायर पड़े हुए हैं, तो उनमें से ही अब मैं खोल के लगा लेता हूँ। तो वो उधर स्टोर में पड़े हैं, मेरा टूल बॉक्स भी, तो मैं उधर से जा के फिर लेके आता हूँ। ये देखें, ये मैं ले आया हूँ, ये मेरा टूल बॉक्स है। तो इसमें मुख्य औजार हैं और ये एक पुराना छात्र है जिसमें ये सर आई मेरी पुरानी व्हील चेयर थी, ख़राब हो गई थी, उसके व्हील टायर जो है ना वो मैंने उतार लिए थे। तो अब ये दो टायर है इनमें से, ये तो कुछ काफ़ी पता नहीं किस तरह घिस गया, तो ये वाला मुझे बेहतर लग रहा है। तो ये फिर मैं लगाता हूँ और इधर मैंने बैठना है और फिर मैं बैठ के लगाता हूँ उसको। ये बस तो मैं आप इस पर बैठता हूँ और फिर इसका टायर खोल के ऊपर लगा। आगे आ जाओ आप और ये ज़रा दिखाएं, ये है टायर, ये देखें। हो ये तो जाम भी बड़ा हो रहा है और ये यहाँ से टूट चुका है। 1, 2, 3। अब मैं निकालता हूँ टूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये धागे भी इसमें फंसे हुए हैं। बिस्मिल्लाह,
ये तकरीबन खुल गया। अब इसको हाथ से खोल लेता हूँ। तो स्पीड को निकालना है इसी से बात। ये पेच उतर गया, लेंगे ये टायर उतर गया है। और ये लगाता हूँ अब इसको। अब हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की छोटी मोटी मरम्मतें कर लें। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये फार जो है यहाँ पे घर पे ही आया है, कहीं बाहर नहीं गए हुए, वरना फिर ज़्यादा मसला पड़ जाता है। लेकिन फिर भी हम इनका हल ढूंढते हैं। और इसमें ज़्यादा नहीं छोटा ये सुराख? नहीं, एक साइड से तो गुजर गया है, तो इसका मतलब दूसरी साइड से भी गुजरेगा। अरे देखते हैं दोबारा। ये नहीं, ये इसका पेच जो और पुराना था वही मैंने लगाया है। हाँ ये ठीक है, देखें ये चल गया। वो जो था ना वो फंस रहा था, तो अब मैं इसको इसमें लगाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि आराम से ये हो गया। आ जा इधर। हाँ ये ठीक है। अभी ये वाशर लगाइए और ये इस पर पेच लगाते हैं इसको। ये नट, ये यहाँ तक हाथ से कसा जा सकता है, पहले हाथ से कसते हैं फिर इसको। ये हैं एल की कहते हैं इसको। ये हम इधर लगाएंगे ना, नहीं ये ये इसमें आ जाता है लेंगे इसको। अब इसको इधर से पकड़ लेते हैं और बाकी से अब इसे चाबी रैन से इसको हम कसते हैं इसमें। बस ये थोड़ा सा फासला है क्योंकि इसकी वो प्लास्टिक वाशर बुश जो होता है वो नहीं है, लेकिन वो फिर लगा लेंगे। शुक्र अल्लाह का मसला हल हो गया। तो इसी तरीके से ही हम मुख्तलिफ चैलेंजेस को फेस भी करते रहते हैं और उनके हल भी हम निकालते हैं। शुक्र अल्लाह का, पहियों के साथ ही तो हमारी लाइफ चल रही है और चल रही है। तो ये देखें अब ये सही मूव कर रही है। तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारी दुआ क्या करें, अल्लाह हमारे लिए आसानियां करे। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।